नमस्कार दोस्तों, आज मैं आर्म बैंड का एक आपको डिज़ाइन बनाना सिखा रहा हूँ, बहुत ही ईजीएस्ट वे में, सिर्फ एक क्लिक पे। सबसे पहले हम एक नया फाइल ले लेंगे, ए फोर साइज़ का ले लेंगे। अब इसको सिलेक्ट ऑल करके कॉपी कर लेंगे, कमांड से भी कर सकते हैं और सिलेक्ट में भी जाके कर सकते हैं। कॉपी हो गया, देन फाइल में जाके इसको हम पेस्ट कर देंगे। कंट्रोल टी दबाएंगे ताकि हम इसके साइज़ को चेंज कर सकें। शिफ्ट दबा के हमें खींचना है ताकि साइज़ जो है इसका गड़बड़ ना हो। ठीक है, अब राइट क्लिक करके इसको रोटेट कर लेंगे, किसी डायरेक्शन में कर सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। साइज़ का जो है वो बाद की बात है, हम साइज़ अपने हिसाब से हम स्केलिंग बाद में कर सकते हैं। सबसे पहले डिज़ाइन का बनाना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अब हम डुप्लीकेट ले बना लेंगे। डुप्लीकेट इसलिए बना रहा हूँ ताकि आपको फ़र्क दिखे कि पहले इमेज में दूसरे में बैंड में कितना फ़र्क दिख रहा है। ठीक है, अब फिल्टर में जाएंगे, फिल्टर के अंदर हम डिस्टॉर्ट में जाएंगे और उसके अंदर जाएंगे हम शेयर में। ठीक है, अब इसमें आप देख रहे होंगे बीच में एक शेप बना हुआ है सीधी लाइन में, इसको हम थोड़ा सा बैंड करेंगे। जितना बैंड करेंगे हमारा जो बैंड है उतना ही बड़ा, उतनी ही साइज़ में बैंड हो जाएगा, उसी एंगल में बैंड हो जाएगा। अब ये बैंड हमारा तैयार हो गया, लेकिन इसमें अभी भी एडजस्ट का फ़र्क है। ठीक है, एडजस्ट को ठीक करने कंट्रोल टी दबाएंगे, राइट क्लिक करेंगे और पर्सपेक्टिव में जाएंगे। अब हमको नीचे वाला डायरेक्शन जो है, नीचे वाली लाइन को थोड़ा सा टिल्ट करना है अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। ठीक है, और ओके कर देना। अब हमारे ये बैंड का डिज़ाइन है पूरी तरह से तैयार हो गया, बहुत इजी वे में और एक ही क्लिक में तैयार हो गया। अब दूसरा मेथड है हमारे पास, ब्राउज़र पर जाएंगे, फॉन्ट मेमे टाइप करेंगे, उसकी वेबसाइट खुल जाएगी, आपको वेबसाइट ओपन करना है। ये बहुत ही आसान तरीका बता रहा हूँ मैं आपको सिंगल क्लिक में। इसके बाद जनरेशन पर जाएंगे, थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे, इमेज टूल में जाएंगे, थोड़ा सा और स्क्रॉल करेंगे, फिर बैंड इमेज में जाएंगे। यहाँ पे अपलोड का ऑप्शन है, आपका जो भी बैंड का डिज़ाइन है अपलोड कर देंगे यहाँ पे। मैं डेस्कटॉप पर रखा हुआ था। अब यहाँ पे आप नंबर देख रहे हैं, इस नंबर को हम चेंज कर सकते हैं ये स्क्रॉल करके, या फिर आप मैनुअल भी यहाँ पे टाइप कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 40 लगा देंगे और जनरेट कर देंगे। अब देखेंगे नीचे स्क्रॉल करके डिज़ाइन आपका तैयार हो चुका है। इसमें कुछ भी हमें नहीं करना पड़ा, एक ही क्लिक में हो गया। फोटोशॉप की तरह बहुत सारा कुछ नहीं करना पड़ा, सिर्फ एक क्लिक किया और हमारा बैंड तैयार। अब इसको सेव करने के लिए राइट क्लिक किया, सेव एज इमेज करना है। ठीक है, अब जहाँ चाहे इसको सेव कर सकते हैं, जो चाहे वो नेम डाल के इसको सेव कर सकते हैं। ये PNG फॉर्मेट में आ जाएगा और JPG फॉर्मेट जो भी आपको चाहिए दोनों में हो सकता है, डिपेंड करता है कि किस तरीके से आप सेव कर रहे हैं। अब इसको ओपन करके देख लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, किस तरीके से सिंगल क्लिक में हमारे पास ये तैयार हो गया एक बैंड का साइज़ डिज़ाइन। अच्छा, साइज़ के लिए हम जो है उसके लेंथ और ब्रिथ को हम अपने हिसाब से बाद में हम सेट कर सकते हैं। एक हमारा जो फ्लो होता है ना बैंड का, वो तैयार हो चुका है। ठीक है, फोटोशॉप में भी इसी तरीके से हमने तैयार किया था। उस फोटोशॉप में क्या है कि थोड़ा सा हमें 4-5 ऑप्शंस देखने पड़े थे, लेकिन वेबसाइट में जो है एक ही बार में दोनों काम हो गया। ठीक है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं आई और फर्स्ट क्लास बन गया। दोनों ऑप्शन मैंने इसलिए बताया कि कल कभी किसी भी ऐसे अगर आपका जैसे ऑफलाइन है, आप इंटरनेट नहीं चल रहा है तो आप फोटोशॉप से बना सकते हैं, और इंटरनेट चल रहा है तो आप दूसरे तरीके से बना सकते हैं वेबसाइट के थ्रू। फोटोशॉप का कौन सा वर्जन है कोई फर्क नहीं पड़ता, सभी वर्जन में ये अवेलेबल होता है। ठीक है, तो हर तरीके से किया सकता है। एक फोटोशॉप हो गया, एक आपका ऑनलाइन हो गया, दोनों तरीके से मैंने आपको समझा दिया है। उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो जो है आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहा होगा। ठीक है, तो आगे शेयर जरूर कीजिएगा ताकि और लोगों का भी काम आए।